अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिलाल एकेडमी ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये वीडियो बनाने का मकसद बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। एक नोटिफिकेशन जो कि कल से सोशल मीडिया पर वायरल है और वो नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से, उसकी सारी तफसील आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को मैं मज़ीद आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन होता है इसको आपने ऑल पे प्रेस करना है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अहम वीडियो होगी, अपडेट होगी, जो रियल होगी, वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद है। पहले तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ के बता देता हूँ और आपको ये स्क्रीन पर भी इस वक्त नज़र आएगा। ड्यू टू एक्सपेक्टेड थर्ड वेव ऑफ कोविड-19, ये मतलब इसमें जो लिखा गया, मैं सारी तफसील आपसे जो शेयर कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि जो आपके एग्ज़ाम्स होने थे वो हेल्ड होने थे मई में और जून के अंदर, तो अब उनको जो है वो रीशेड्यूल जो है वो कर दिया गया है। और अब ये जो इम्तिहानात हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं 9-10 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके, वो 25 अगस्त से अब शुरू होंगे और 23 जो सितंबर है 23 सितंबर तक जो है ये इम्तिहानात जो हैं वो जारी रहेंगे। इसी तरह जो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के जो बच्चे हैं, यानी 11 और 12 क्लास के जो बच्चे हैं, उनके जो इम्तिहान है वो 24 सितंबर से शुरू होंगे जबकि ये 23 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जो डेट शीट है ये टोटली फेक डेट शीट है और इसका सोर्स जो है वो अननोन है। कल ये अपलोड की गई थी सोशल मीडिया पर जिसके बाद ये वायरल हुई और बहुत सारे बच्चों तक ये डेट शीट जो है वो पहुंची है और मिसगाइड किया गया है बच्चों को। मैं अपने इस चैनल के ज़रिए पुरजोर मजम्मत करता हूँ जिसने भी ये डेट शीट जो है वो अपलोड की या उसके पीछे जो भी मकसद रहा हो, अगर कोई एक बच्चा भी इससे मिसगाइड हो जाए तो उसके फ्यूचर पर ये डायरेक्ट जो है इसका इफ़ेक्ट जो है वो हो सकता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर आपसे हमेशा रियल अपडेट्स आपके फ़ायदे के लिए बर वक्त पहुँचाई गई हैं। तो अब आपने इस नोट, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस मुझे आए, बच्चों ने मुझे ये डेट शीट सेंड भी की साथ साथ और मुझसे पूछा कि क्या ये एक रियल डेट शीट है, तो उनको भी मैंने बता दिया था। और आप सब जो भी मेरी इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, आपको मैं बताता चलूं कि ये एक फेक नोटिफिकेशन है, ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं किया गया और सोशल मीडिया पर इस वक्त ये मौजूद है। और आपने इससे मिसगाइड नहीं होना, अपने जो इम्तहान है उनकी तैयारी आपने अच्छे और भरपूर तरीके से करनी है। बल्कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से ये पूछा गया कि क्या जो कोविड-19 है वो बढ़ती हुई उसकी जो ख़तरनाक सूरत हाल है उसके पेश नज़र क्या स्कूल बंद होंगे और बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, तो उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया कि अगर कोविड की जो सूरत हाल है वो अगर ख़राब भी होती है, उस सूरत में अगर इदारों को बंद भी कर दिया जाता है तो फिर भी हम जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन्ड नहीं करेंगे, वो लिए जाएंगे, उनको मुलतवी नहीं किया जाएगा, ना ही रीशेड्यूल किया जाएगा। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनकी टेंटेटिव जो डेट शीट है वो पहले ही मैं बता चुका हूं अपनी वीडियो के अंदर, और जो रियल और जो अभी गवर्नमेंट की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस की जानी है डेट शीट, उसका इंतज़ार है और वो जैसे ही आएगी आपसे इस चैनल के ज़रिए फौरी तौर पर शेयर कर दी जाएगी। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने पेपर्स को अच्छे तरीके से उनकी प्रिपरेशन करें और किसी भी ऐसी बात जो कि रियल नहीं है उस पर आपने कान नहीं धरने। तो जैसे ही कोई अहम इस बारे में नोटिफिकेशन आएगा तो आपसे शेयर कर दिया जाएगा। चैनल पर विजिट ज़रूर करते रहें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि उनको भी ये अहम बातें जो हैं वो पता लग सकें। चैनल पर विजिट ज़रूर करते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।